भाई लोगों, अगर आप ये लुक देख रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि ठंड किस लेवल की पड़ रही है। खैर, ठंड के दिन हैं तो वो तो अपना काम करेगी ही। इसी तरह भाई साहब, हम भी अपना काम करते रहेंगे, चाहे वीडियो पे एक ही व्यू क्यों ना आए। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, मेरे वो दो तीन रेगुलर व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैं भाई और ऐसे ही और इम्प्रूव करूँगा, जैसे भी हो भाई इम्प्रूव तो करूँगा। और चाहे ठंड कितनी भी पड़ जाए, चाहे यूट्यूब मेरा चैनल बूस्ट करे ना करे, भाई मैं रुकूंगा नहीं, एट एनी कॉस्ट, एनी टाइम, किसी भी भाई वीडियो तो बना के दूंगा। तो भाई कंपैरिजन बेस पे बोले, यानी आज फाइटर की बात करते हैं। फाइटर डे 5 पर एंट्री मार चुकी है और अभी तक कैसी क्या धमाल या मूवी मचा रही है भाई, सॉलिड धमाल मचा रही है। लेकिन अगर कंपैरिजन बेस पर बोलते हैं तो फाइटर सर्वाइव कर रहा है, लेकिन विदाउट कंपैरिजन बोले तो साल की जो स्टार्टिंग हुई है ये वाली, भाई सॉलिड स्टार्टिंग हुई है। लाइक कंपैरिजन बेस पे बोले तो 2023 की जो ब्लॉकबस्टर मूवीज रही हैं, जिनका ओपनिंग 100 करोड़ के साथ हुई है, 1000 करोड़ भी ठोक के गई हैं, लेकिन जब सिंगल वर्किंग डेज की ही बात कर लेते हैं तो 35 या 40 करोड़ के आसपास फिर भी कलेक्शन देखने को मिल रहा था। एंड वीकडेज लाइक सैटरडे संडे की बात करें तो 100 करोड़ से प्लस जा रही थी वो उन मूवीज की ग्रोथ। तो इन कंपैरिजन बोले तो भाई सरवाइव कर रहा है, लेकिन विदाउट कंपैरिजन अगर फाइटर को बोले, जो यूनिक कंटेंट है, जहां अगर ओपनिंग देखें तो उस मूवी की कोई अच्छी खासी ओपनिंग नहीं थी, लेकिन जैसे ही फ्राइडे जो 26 जनवरी का हॉलीडे था, देन उसको आज सैटरडे एंड कल संडे, भाई जबरदस्त कमाई करके लाई है ये मूवी। तो आज अभी सारी चीज़ों पर बात करेंगे, कैसा क्या कलेक्शन इसके नाम आ रहा है, कितना ये मूवी और कलेक्शन कर सकती है, तो ब्लॉकबस्टर है या नहीं है ये आप लोग तय कर लेना बाद में। शुरुआत करते हैं भाई साहब बिना किसी बखेती, तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई साहब। कल डे 4 की बात करें, संडे में कैसी क्या ऑक्यूपेंसी रही है भाई? ओवरऑल ऑक्यूपेंसी अराउंड 34-35% की रही, जिसमें से अर्ली एस्टिमेट नेट इंडिया से 30 करोड़ के आसपास ये मूवी कवर करते नजर आ रही है। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 37 करोड़ और पहले चार दिन में कल एंड ऑफ द डे तक टोटल नेट इंडियन कलेक्शन इसके खाते में लिख रहा है कितना, 119-120 करोड़ के आसपास, एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 145 करोड़ के आसपास। पूरी दुनिया से ये मूवी 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी है, तो भाई ओवरसीज में भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। पहले चार दिन में 50 करोड़ से ऊपर जा चुका है ओवरसीज का कलेक्शन। तो भाई मूवी जिस हिसाब से देखें तो यार सॉलिड कमाई कर रही है, लेकिन वही बात की अगर कंपैरिजन बेस पे बोले तो नहीं कर रही है। बात करें आज डे 5 की, भाई वर्किंग डे स्टार्ट हो चुके हैं और वर्किंग डे में अच्छी अच्छी मूवीज की धज्जियां उड़ जाती है, जो हम पहले भी देख कर आ चुके हैं। तो भाई फाइटर किस खेत की मूली है, इसे भी इस वर्किंग डेज का जो रेज है, इसका खामियाजा जो एक बार कहेंगे, भुगतना तो पड़ेगा भाई। मंडे वर्किंग डे है, आज की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, लगभग 20-22% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। फुल डे की एडवांस बुकिंग ज़्यादा नहीं हुई है, लगभग 4-4.5 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। जहां अर्ली एस्टिमेट देखें तो आज ये मूवी नेट इंडिया से 15 करोड़ के आसपास कवर करते नजर आ रही है और ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 20 करोड़। तो ऐसे में पहले 5 दिन में, यानी आज ये दिन जब खत्म होगा, तो ये मूवी नेट इंडिया से टोटल कलेक्शन 134 करोड़ के आसपास स्टैंड करते नजर आएगी और पूरी दुनिया से लगभग 220-225 करोड़ के आसपास। तो देखा जाए तो पहले 5 दिन में 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मारना इज नॉट एन ऑर्डिनरी नंबर भाई, ह्यूज नंबर है एंड ब्लॉकबस्टर नंबर है। मेरे लिए, आपके लिए है नहीं है, ये आप लोग तय करेंगे। तो भाई मूवी जबरदस्त तरीके से अपने नाम वो कलेक्शन लेके आ रही है, क्योंकि ओपनिंग नहीं हुई थी सॉलिड। वर्ड ऑफ माउथ, जो वही कहते हैं ना कि भाई पब्लिक इज द किंग, कंटेंट इज द किंग, भाई पब्लिक जब डिसाइड करती है कि हाँ ये चीज दमदार है, तो भाई वो दमदार है और वो दमदार होते अब नजर आ रही है। तो मूवी कितना कलेक्शन कर लेगी भाई, लाइफ टाइम कलेक्शन मैं मान के चल रहा हूँ 400-500 करोड़ के बीच में इसका इजिली ठोंक के जाने वाली है। आप लोगों की राय है क्या, इतना कलेक्शन कर लेगी नहीं कर लेगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।